जय सच्चिदानंद केशव आनंद जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, रजनीकांत भाई, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। केशव आनंद जी, अपने दादा कहे छे के कंदमूळ ना खावू जोए। हाँ, हवे अमारा घर में तो फाइल टू ने तो कंदमूळ एटले डुंगरी लसन तो बहुज खावू गमे एना वगर। तो हवे आ केवी रीतना मारे, केवी रीतना निकाल लावो? आपने दादा शू कहे जेम तेम करीने आपने संभावे नहीं। दादाजी क्या बोलते हैं कि दादाजी बोलते हैं कि हम पिछले भाव में कुछ ऐसा लेके नहीं आए हो, पिछले भाव में लेके आए हो तो ऑटोमेटिक वो कंदमूळ ऐसा हमारे आसपास भी नहीं आएगा, पर लास्ट बर्थ में अगर उधर उसको कंदमूळ खाने का साइन किया हो कि उसमें बहुत अच्छा है, कंदमूळ खाने से बहुत मजा आता है, खाने में थोड़ा टेस्ट आता है, ऐसा सब डिजाइन लेके आया हो तो अभी इस भाव में क्या करेंगे। तो दादा ने क्या बोला कि इस भाव में संभावे निकाल करो, क्या आपकी इच्छा नहीं है और आपको अगर बहुत हरकत करता तो आप मत खाओ, आपको तो बिल्कुल नहीं, अगर आपका मन नहीं बोलता है तो भले आप नहीं खाते हो, पर उसके लिए दिन रात प्रार्थना करने का कि हे दादा भगवान उनको ऐसा समझ दो, ऐसी सोच दो कि ये उसको हाथ में एक दिन हाथ में ये समझ आ जाए ताकि उनको पता चले कि इसके खाने से क्या क्या नुकसान होता है। बरोबर, तो हमको क्या करने का, अभी हमारे हाथ में करने की कोई सत्ता नहीं रही है, अभी हमारे हाथ में एक ही सत्ता रही है कि भाव करो, भाव करो कि हे दादा भगवान इसके अंदर ऐसी समझ दो, ऐसी इनके ऊपर कृपा बरसाओ कि उनको इसका ये विज्ञान खुल जाए कि इससे क्या क्या नुकसान होता है। बाकी अगर वो माल लेके आया है अपना मटेरियल तो अभी वो उसको वो डिस्चार्ज में कुछ नहीं कर सकता है। तो दादा ने क्या बोला, ऐसा संजोग आता है तो हमारे भी कितने महात्मा तो क्या है कि संजोग आ गया है तो चलो फाइल का थोड़ा सा भी खा के निकाल कर देते, और बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं तो ऐसा संजोग आया हो कंदमूळ वगैरह का खाना नहीं मिलता हो तो दादा बोलते कि अभी अभी क्या हो गया है, एडजस्ट एवरीवेयर। दादा भगवान के लिए, दादा भगवान जी हमारे घर पे आते थे तो दादा भगवान को कंदमूळ तो नहीं खाने का होता था, तो भी अगर संजोग आ जाता था तो बोलते थे बहुत अच्छा खाना बनाया, तो दादाजी क्या किया, हमको तो उसके बगैर चलता नहीं है, तो दादाजी को बोलते थे कि दादाजी अभी वो हमको तो बाद में पता चला कि ये नहीं खिलाना चाहिए, पर फिर दादाजी क्या बोलते थे, एडजस्ट एवरीवेयर। अभी वो उधर आ गए संजोग में तो दादा नहीं नहीं हम तो कंदमूळ नहीं खाते, हम तो कंदमूळ नहीं खाते। दादा बोले ये क्या है, दादा बोले कि हमको ऐसा संजोग आ गया, हम महात्माओं के लिए ज्ञानियों के लिए ये ऐसा संजोग आ गया तो थोड़ा खा के एडजस्ट एवरीवेयर करके निकल जाओ। अने बीजू केशव अत्यार सुधी तो भान ज नतु, पण पेलू जमता पेला आपणे प्रार्थना करीए ने एमां दादा ने अर्पण करीए બધા દેવ દેવીઓને, તો આવું કંદમૂળ વાળું બધું અર્પણ કર્યું હોય આપણે અત્યાર સુધી તો ભાન નતું, ખબર નથી એનો, એવી જ રીતના અર્પણ થઈ ગયું છે તો એ પણ એક માફી માંગવા, માફી માંગીને આગળ વધતા જવાનું, ઓકે આગળ વધતા જવાનું। દાદા શું કે છે કે કઈ બી વસ્તુ ઊંધી થઈ ગઈ હોય, તમને હમણાં કોઈ ભી ચીજ ગલત હો ગઈ હો યા અભી આપકો રિયલાઈઝ હુઆ કે અભી એસા હો ગયા, તો પ્રતિક્રમણ કરકે ગાડી કો આગે દોડાઓ, ઉસમે બીચ મે ખડે મત રહો। ये विज्ञान बहुत अलग टाइप का है, कितने लोग तो क्या है कि इसमें ही पड़े रहे कि मेरे से ऐसा हो गया, मेरे से ये हो गया, फिर उसके बाद उसको डिप्रेशन भी आ जाए। नहीं, दादा बोलते कि दोती मेरी इधर किसी झाड़ में अटक गई तो अपन क्या करेंगे, तो बोले दोती को उतार के भी आगे निकल जाओ, राइट राइट, उधर क्या करेंगे, उधर बैठ जाएंगे, मेरी दोती फट गई अभी क्या करूं मैं, ऐसा क्या होगा, नहीं गाड़ी को आगे दौड़ाओ, बहुत प्रगति वाला मार्ग है, अपने को मोक्ष में जाने का है। और दादाजी ने हर एक प्रकार का हमारा रास्ता खुला कर दिया है, जिधर भी भूले हुई हो उधर प्रतिक्रमण करके आगे निकल जाओ, प्रगति करो, प्रोग्रेस करो, अपने को केवल ज्ञान की तरफ जाने का है। और हमारी खुद की सत्ता कुछ नहीं है, आपकी खुद की सत्ता नहीं है, आपका भाव भी नहीं है, पर जाने अनजाने में जो भी भूले हो जाती है उसका प्रतिक्रमण करके आगे निकल जाना चाहिए। અને બીજું એક કેશવ આનંદ જી, આપણે આદુ કંદમૂળ કહેવાય ને, આદુ, હા આદુ ભી કંદમૂળ જ કહેવાય ને, તે તો ભરપટ્ટે ખાઈએ છે અમે લોકો। દાદા શું કે છે કે દાદાજી ક્યાં બોલતે, યે જ્ઞાન મિલને કે બાદ અભી યે જો કંદમૂળ હૈ યે અભી હમકો અડતા નહીં હૈ, હમકો ટચ નહીં કરતા હૈ,
अगर अगर संजोग नहीं है, अगर खुद का माल लेके आए तो खा के संभावे निकाल करो। पर उसके लिए आपको अभी ऐसा तो नहीं होता है ना कि कंदमूल खाने से बहुत मजा आता है, मजा तो चलो नहीं है, लेकिन मजा की बात तो बिल्कुल नहीं है अभी तो, लेकिन वो तू है ना, वो दवाई के तरह हम खाते हैं वो ऐसा कोई तो संभावे निकाल बोला ना, संभावे निकाल करो। ओके बराबर, ओके ओके, या जय सच्चिदान, जय सच्चिदान, जय सच्चिदान। गीता बहन अहमदाबाद, जय सच्चिदानंद रंजित रजनीकांत अंकल, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद केशवानंद जी, दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, बोलो गीता बहन। हाँ केशवानंद जी, अभी अभी बात हुई ना कंदमूल की, और मेरे से क्या क्या भूल हुई है कि अभी तक मैं क्या करती थी कि अभी करती थी नहीं करती ही हूँ कि मुझे लहसुन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मतलब कि उसकी स्मेल भी अच्छी नहीं लगती मेरे को। मेरे घर में तो होता ही नहीं है, लेकिन आसपास में भी होता है ना, तो मुझे बहुत चीड़ आती है, तो मुंह बिगड़ जाता है मेरा। और फाइल टू पहले मेरे ससुराल में तो सब लोग खाते हैं, लेकिन मैं सब लोग उसके घर जाती हूँ, मैं गाँव जाती हूँ, मैं सना जाती हूँ, तो मेरे लिए अलग बनाते हैं सब। लेकिन मेरे हस्बैंड भी बहुत खाते थे, लेकिन मैंने प्रार्थना की भगवान को, पहले तो मैं दादा को नहीं जानती थी, इसलिए मैंने भगवान को प्रार्थना की कि वो भी नहीं खाए, तो उसको भी छूट गया, मतलब मन से नहीं छूटा है, उसको अच्छा लगता है, लेकिन उसकी प्रकृति को माफक नहीं आता, इसीलिए उसने छोड़ा है। हाँ तो ये मेरा गुनाह है? नहीं नहीं नहीं, कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं, आपने तो भाव किया, पर उसका रिजल्ट में सुपर कंप्यूटर पावर में आपने भाव डाला, पर उसका कौन सी वजह से, कौन सी रीजन की वजह से उनको नहीं माफिक आता है या माफिक आता है, वो आपको नहीं देखने का है। वो तो कुदरत के संचार में आपने सुपर कंप्यूटर पावर में अपना भाव फेंक दिया, बात पूरी हो गई। वो आपने उसके लिए अच्छाई अच्छा होने के लिए बोला, और नहीं उसके लिए मैंने नहीं बोला, मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं तो कोई मेरे बर्तन में कोई लहसुन मुझे डाले ना तो मैं बर्तन भी मैं वापरती नहीं थी, इतना मुझे उस पर द्वेष था। नहीं तो पर वो द्वेष नहीं रखने का, वो दादाजी क्या बोलते हैं, अभी ज्ञान, ज्ञान के पहले सब चलता है, ज्ञान के पहले जो आपको होता था वो नॉर्मल है और सबको होता है, पर ज्ञान के बाद क्या है कि द्वेष नहीं होना चाहिए, कोई बाजू में खाता हो तो भी उसको वो असर नहीं होना चाहिए, और संजोग में कैसा होना चाहिए कि वो विज्ञान को समझना चाहिए। दादाजी क्या बोले कि भाई एक वो कोई महात्मा खाना खा रहा था, तो ऊपर से कोई कौवा उधर से कुछ मांस लेके जा रहा था, तो उसकी थाली में गिर गया, तो वो चिल्लाने लगा, ये क्या हो गया क्या हो गया, पूरा खाना फेंक दिया, बाजू कर दिया सब, मतलब वो घबरा गया कि ये कैसा हो गया, मेरा अनर्थ हो गया, मेरे खाने में ऐसा मांस का टुकड़ा कहाँ से आ गया। तो दादाजी क्या बोले कि ज्ञानी का वर्तन कैसा होता है, बाहर के लोगों का वर्तन दादा ने बताया कि इतने बड़े संत हो के भी ऐसे हो जाते हैं, पर ज्ञानी का वर्तन कैसा होता है कि ऊपर से कौवा जाता हो, ज्ञानी पुरुष की पहली थाली में आके नीचे टपका गिरा, तो वो ऐसा चीड़बीड़ नहीं करे, ऐसा बाजू में से निकाल के बाजू में रख देवे। अभी इमेजिन करो कि ज्ञानी पुरुष की देख कैसी है, कौन सी वजह से ऊपर से आके मांस का टुकड़ा आपकी थाली में गिरा वो आपको पता नहीं है, वो आपका परीक्षा देने के लिए बड़ा है कि भाई कैसे, वो उसके मुंह से गिर गया, वो तो लेके जा रहा था, उसको तो खाना था कौए को जो भी लेके जा रहा था, फिर भी वो गिर गया, तो वो उसके हाथ की वो नसीब में नहीं होएगा, पर उस महात्मा की वो परीक्षा होने वाली होगी, वो चिल्लाने लगा, चिड़ आ गई उसको कि मेरी थाली में ये कहां से आ गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। दादा बोले ज्ञानी कैसे बिहेव करेगा, संजोग वशात आपके थाली में लहसुन आ गया, बाजू में से निकाल के बाजू में रख दो, खाना खा के एडजस्ट करके निकल जाओ, ये ज्ञान का प्रक्रिया है, ये ज्ञान की समझ है, ये ज्ञानी पुरुष और ज्ञानी लोग ऐसा बिहेव करते हैं। अभी हमको डिसाइड करने का कि हमको कैसा है, हमको दादाजी ने इतना विज्ञान खुला किया है तो हमको कहां से द्वेष, कहां से चिड़, कुछ भी नहीं, संजोग वशात जो भी हो गया वो आपके हाथ की सत्ता नहीं है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कितने सारे एविडेंस इकट्ठे होते हैं तब जाके ऐसा हकीकत बनता है,
वो तो आपकी परीक्षा होती है, आप ज्ञान में कितना आगे प्रगति किया उसकी वजह से वो लहसुन आया आपके थाली में। हाँ। आपका भाव नहीं है खाने का, पर संजोग वशात हो गया, कुछ हो गया तो चिढ़ नहीं होनी चाहिए। अभी जो चीज आपको चिढ़ लाती है दूसरों को तो उसमें से बहुत मजा आता है। हाँ, वैसा ही होता था। वो फिर हमारे हम उसके लिए कैसा वो व्यू पॉइंट दे सकते कि ये क्या खाता है। हाँ। ये कैसा खाता है, कैसे हम व्यू पॉइंट दे सकते। हाँ। वो अपने अपने चार्ज में गए भव में वो क्या चार्ज करके लाया आपको क्या बात पता है, क्या सिग्नेचर करके आपको क्या पता है। हाँ, इसलिए दादा ने क्या बोला कि जो भी संजोग आता है आप बिलीव नहीं करोगे कि जो दादाजी की हाजिरी में कितने सारे लोग आते थे स्टार्टिंग में जो नॉनवेज खाते थे तो भी दादाजी ने उनको बोला नहीं कभी, पर वो दादाजी जैसे बोलते थे दादाजी की प्रेजेंस से दादाजी के विज्ञान से वो सब चीज ऑटोमेटिक छूट जाती थी लोगों की। हाँ। आत्माओं की मिरेकल होता था ये मिरेकल। तो दादाजी वो जानते थे वो कौन से बैकग्राउंड से आया है, कहां से वो मटेरियल लेके आया है, क्या भाव में चार्ज करके आया, पर इस भाव में उसकी इच्छा नहीं है पर डिस्चार्ज में ये निकल रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं। ज्ञानी पुरुष तो खाली वो तो निर्दोष ही देखेंगे, वो बोलेंगे मैं अपना विज्ञान देता हूं और अलर्ट कर देते थे कि ये चीजों से अपने को अलर्ट रहने का, ये हमारे ज्ञान के लिए हरकत करता है, बस इतना बोल देते थे। विचारशील आदमी ज्ञानी पुरुष का एक वाक्य सुन के कि ये हरकत करता है सुन के सब चीज छूट जाती थी, शराब छूट जाती थी, सिगरेट छूट जाता था, बीड़ी छूट जाती थी लोगों की। क्यों? क्योंकि जागृत हो गए हमारे विज्ञान में, हमारे ज्ञान के लिए ये हरकत करता है। तो जैसे ही हमारी जागृति आती जाएगी, जैसे आपके आसपास के अंदर सब लोगों के अंदर जागृति आती जाएगी, जैसे टाइम होएगा तब तक दादाजी क्या बोलते उनके लिए भाव करो, उनके लिए सिर्फ भाव करो और कुछ भी नहीं। जैसे उनका टाइम पूरा होएगा सब चीज उनके हाथ में से वो भी चीज पूरी हो जाएगी। हाँ, और ज्ञान लिया था उसके पहले मेरे सर्कल वाले क्या करते थे कि लहसुन वाला जो खाना है ना तो मुझे पहले बोलते नहीं थे कि इसमें है। हाँ। तो उसको ऐसा लगता था कि देखते हैं कि वो खाती है कि नहीं खाती है। हाँ। तो मेरे नाक के पास आए पहले भी मुझे स्मेल आ जाती थी तो मैं वो खाना नहीं खाती थी। हाँ। तो उसको तड़छोड़ मारा है ना मैंने। हाँ, तड़छोड़ मारा अपने को बोलने का कि आज मुझे अच्छा नहीं लगता है, आज दादा क्या बोलते हैं ये विज्ञान कैसा है। अगर आपको अंदर से खींच नहीं होती है तो वो आइडिया करने का मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, पर वो नहीं बोलने का कि लहसुन की वजह से मुझे नहीं खाने का। जितनी उसके ऊपर हम दादा बोलते हैं जितनी हम उसको चीज को दबाएंगे तो स्प्रिंग की तरह उथलेगी, स्प्रिंग की तरह आएगी। इसलिए उसको समझ से निकालने का, हर एक चीज को समझ समझ समझ, कोई भी तड़छोड़ नहीं, कोई भी तिरस्कार नहीं कोई भी चीज का। तो तिरस्कार ऐसा हो जाएगी जिस दिन डॉक्टर बोले कि ये खाने से बहुत तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो भी तिरस्कार की वजह से वो हमारे हाथ में भी नहीं आए। ऐसे सब जोग आ जाए, ऐसा ऐसा साइंस है ये। इसलिए दादा ने कभी, दादाजी ने वो जब एग्जाम्पल दिया ना तो ही हम शॉक हो गए कि दादाजी क्या बोलते, ऊपर से ऐसा आए कुछ मांस का टुकड़ा गिरे तो भी उनका पेट का पानी नहीं हिले। ये दादाजी की आंखों के सामने ऐसा एग्जाम्पल हुआ है तो भाई ज्ञानी कैसे रहते, वो दिखाया दादा ने बताया ऐसे ज्ञानी रहते, कोई तरछोड़ नहीं, कोई तिरस्कार नहीं। और विज्ञान को हमारा विज्ञान क्या है कि फुल टाइम समझ 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 ही करना है, करना कुछ नहीं है। दादाजी क्या बोलते, समझ करो, समझ जो समझो, समझ से पूरा विज्ञान खुला हो जाएगा। और दादा ने वो हर समझ हमको हाथ में दे दी। कोई भी चीज से तिरस्कार मत करो, कोई भी चीज से अपने को ऐसा भाव मत करो कि ये भी नहीं खाए तो अच्छा, वो भी नहीं खाए तो अच्छा। जो भी व्यवस्थित होती है, हमारा साइन नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर नहीं होना चाहिए कि ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, अच्छा वो नहीं होता। हाँ, और दूसरा क्या होता है कि कोई भी भूल हमसे होती है तो तुरंत ख्याल में आ जाता है कि ये गलत किया है। हाँ, लेकिन हाँ, तो क्या हम छूटे पड़ गए लेकिन प्रतिक्रमण बाकी है, ऐसा है? हाँ, अभी पता चल जाता है ना तो बहुत बड़ी बात है, पहले तो पता भी नहीं चलता। हाँ, पता नहीं चलता। तो बहुत बड़ी जागृति है और अभी धीरे धीरे जागृति उस लेवल तक बढ़ेगी कि वो संजोग आने के पहले आप जागृत हो जाओगे। दादाजी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे कि भाई पहले तो फाइल जब घर में आके बैठती थी
तब तक याद नहीं रहता था कि फाइल है, तो वो हमारे स्टार्टिंग के स्टेप्स थे। जब आएगी, जब धूम धड़ाका होएगा, बोला चाली होएगी, जब एंड होने को आएगा, तब बोलेगा ये आज बहुत भारी फाइल आई थी। तो वो क्या है, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। अभी धीरे धीरे ये ज्ञान की प्रगति कैसे होती है, वो जब से उनके घर पे फोन आता है कि आज मेरी बहन आने वाली है, तब से उसको सब उसके पर्याय दिखाई देते। वो अभी आएगी, ऐसा बम फोड़ेगी, तेरे को ये करने को नहीं आता है, तेरे को वो नहीं करने को आता है, तू ऐसी है, तू वैसी है, वो उसको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है। ये ज्ञान की जागृति की बात करता हूं। तो जैसे ही वहां से निकलेगी ना घर से, तब से आपके प्रतिक्रमण चालू हो जाते हैं। फिर आपके अंदर निश्चय होता है कि आज मेरी बहन आने वाली है, मुझे पता है उसका नेचर है, वो बम फोड़ेगी, मेरा सब ज्ञान म्यान सब आगे पीछे कर डालेगी। तो हे दादा भगवान, आज जी आप आज की जो ये फाइल आ रही है ना, उसके साथ मुझे संभावे निकाल करने की शक्ति देना दादा। मतलब हमारी कितनी जागृति बढ़ गई कि उसके नॉक होने से ही भी आपको दिखाई देगा कि ये मेरी फाइल आई है, अभी मुझे इसके साथ संभावे निकाल करने का। फिर उसकी वो टेप रिकॉर्डर चालू होगी, तभी भी आपको दिखाई देगा कि मेरी फाइल बोल रही है, ये मेरा मेरे को पूरा जागृत करने को आई है, मेरा ज्ञान को आगे बढ़ाने को आई है। हे दादा भगवान, वेलकम करो इस बहन को जो मेरा ज्ञान आगे बढ़ाती है। नहीं तो हमारी हमारी परीक्षा कौन लेगा, ये हमारे फाइल ही तो हमारी परीक्षा लेते हैं। ये फाइल नहीं हो तो हम कैसे पास होएंगे केवल ज्ञान में। इसलिए दादा बोलते थे ना कि घर में से ही तो पूरा पूरा जीतने की जगह शुरू होती है हमारे ज्ञान की। घर वाले हमारे सबसे बड़े थर्मामीटर है, क्या बोलते थे, थर्मामीटर है सबसे बड़े, थर्मामीटर है वो हमारा थर्मामीटर का हमको पता देते कि हमको कितना टेम्परेचर आया है, अभी कितनी हमारे को बढ़तरा हो रही है, अभी कितना हमारे को अंदर से गुस्सा आ रहा है, कभी हमको अभी कितना उनके साथ अंदर अथड़ामण होने के अंदर भाव आ रहे हैं, अभी मुझे कितना विचार आ रहा है कि मैं दो बम फोड़ दूं इसके ऊपर, वो सब जागृति आती है। बोलो तो ये हमारे फाइल है ना, हमारे सबसे बड़े हमारे थर्मामीटर है जो हमको जागृत करते हैं दिन में। तो उनका उपकार मानने का, जो भी फाइल आती हो तभी तो हमको पता चलता है कि हमने आज इज्जत संभावे निकाल किया कि नहीं किया। तभी तो हमारे हम 70% पास होंगे, पांच आज्ञा में 70% पास नहीं होंगे तो हमको मोक्ष कब मिलेगा। तभी तो दादा बोलते हैं ना, एक दो अवतार में मैं मोक्ष में लेके जाऊंगा जो आप मेरी आज्ञा में रहो। तो बराबर है, सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। होल्ड ऑन होल्ड ऑन, जय सच्चिदानंद। अब बोलो, सुनाई देता है। हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। खास करके ये जो हम चार हफ्ते से नौमी कलम, ये दादा भगवान मुझे जगत कल्याण करने का निमित्त बनने की परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे कि ऊपर जो अलगपन के सामायिक के साथ ये नौमी कलम संबंधी जो हम प्रतिक्रमण का पुरुषार्थ रखा है सारे दिन के लिए 24/7 के लिए रखा है, तो इसके संबंध में दादा भगवान बार बार कहते हैं कि हमने जगत को निर्दोष देखा है और उसके लिए हमारी तपश्चर्या 30 जन्म की थी और हमने व्यवस्थित ढूंढ निकाला, इसीलिए हमें कोई कोई जीव किंचित मात्र दोषित नहीं दिखाई देते, जिसके कारण हम हमेशा प्रसन्न चित रहते हैं, क्योंकि दोषित देखने से ही हमारा आंखें, हमारा चेहरा, हमारा भाव, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार सब बिगड़ जाता है। तो इसके संबंध में आप प्रकाश डाले दादा भगवान की, आपने बहुत अच्छी सेवा की है और आपने दादा भगवान को बड़े अच्छे तरीके से देखा है, तो हमें उसका लाभ दीजिए। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बहुत बड़ी बात है, जो हमने तो बचपन से दादाजी को देखा और करीब आए तो हर दिन किसी न किसी बात पे हमको एक ऐसा सुझाव मिलता था कि दादा किस तरह से ये रह सकते हैं, हम क्यों नहीं रह सकते,
हमको ऑल द टाइम ऐसा होता था कि भाई जिस तरह से दादा पूरे जगत को निर्दोष देख सकते हैं, तो हम घर जाते ही सबके दोष देखना शुरू कर देते हैं।